नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबट न्यूज खबर नालंदा जिले से। बिन थाना इलाके के मसियाडी गांव में बदमाशों ने मामूली विवाद को लेकर पिता और पुत्र को गोली मार दिया। गोली लगने से छोटन पासवान के पुत्र धर्मवीर पासवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छोटन पासवान को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजन की माने तो गांव में एक महिला से किसी बात को लेकर कुछ लोगों से विवाद हो रहा था। इसी विवाद को लेकर पिता और पुत्र बदमाशों को समझाने गए थे। इसी दौरान बदमाशों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। गोली लगने से पिता पुत्र दोनों जख्मी हो गए। दोनों को जख्मी हालत में बिहार शरीफ सदर अस्पताल में लाया गया, जहां चिकित्सक ने धर्मवीर पासवान को मृत घोषित कर दिया। थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने बताया है कि पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जख्मी को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। युवक के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। हम ये देखे सर गया, हम इंजन से गया तो मारा मारी कर रहा था मा तो। अच्छा। जनानी से तो उसका बेटा हाँ। ये मार रहा था झाड़ू से उसका, तो हम इसको छोड़ाने लगा कि अरे छोड़ो, झगड़ा काहे को करता है। तइयो पर फिर लपट गया और उसको ठेले ठेले यहाँ से गेट तक के ले गया उसका। उसका बाद हम पीछे लौट गए। लौट गया जब तक तो उन्हें लगता कि गोली आया, जब हम देखे कि हमको लग गया गोली, हम तुरंत कहा कि हमको गोली ऑफ करो, मतलब गोली जी ऑफ किसको मारा गोली? नहीं, वो हमको लड़का है बड़ा। हाँ हाँ, मौत हो गया। क्या नाम आपका? हमको छोटन पासन। दूसरे से लड़ाई चल रहा था। कहाँ? मसिया गांव में। अच्छा। आई छुड़ाने के लिए गए थे। कौन गए थे? हमारा भाई है धर्मदीप पास। अच्छा। छुड़ाने गए और उसी विवाद के चक्कर में वो छूट के भाग गया। भागने के बाद वो गोली चला दिया, नशा में उठा छोटू मातो। अच्छा, तो गोली चला दिया तो कितने लोग जख्मी हुए? दो लोग को लग गया गोली, तब मेरे पापा एक मेरा भाई। तो किन की मौत हुई है, कि कौन जख्मी है? मेरा भाई की मौत हो गया और पिताजी ठीक है, जख्मी जख्मी है। इनका क्या नाम हुआ? मृतक के पास और